आज कान्हा को हम लोग उसके स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। अभी रास्ते में शाम को 5:50 की गोवा एक्सप्रेस ट्रेन है। कान्हा एक्साइटेड? रेलवे स्टेशन पे हम टाइम पर ही पहुंच गए थे और हमारे पास 2 ट्रॉली भर के सामान था, 2 कुली प्लस 2 ट्रॉली, क्योंकि तो बच्चे को 1 साल के लिए सेट करना था ना। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन थी जो पास हो रही थी, इसी के साथ बाद में हमारी ट्रेन आने वाली थी। बच्चे एक्साइटेड थे, नया शहर देखना है और हम लोगों को कुछ दिन के लिए वहाँ रुकना भी था। रीना के चेहरे पे तो आप देख सकते हैं थकान पूरी तरह से झलक रही है, क्योंकि गर्मी भी थी। अभी ट्रेन आने में 15 मिनट है, अब तो थक के बैठ ही गई हैं। बस थक गई हो? शाम हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी। थोड़ा खाने का वक्त मिल गया क्योंकि एसी फर्स्ट क्लास में थे तो थोड़ी जगह भी थी खाने के लिए, और छोटा बेटा भी यहीं खाने आ गया था। असल में बच्चे जो है, हम लोग तो यहाँ एसी फर्स्ट में है, बच्चे हैं M1 M4 10 डिब्बे पीछे, तो हम जरा उनको देखने जा रहे हैं। असल में हुआ क्या था कि बच्चों को, हमें तो एसी फर्स्ट क्लास में केवल 2 ही सीट मिल पाई थी, आपको तो मालूम है कितनी कम सीट होती है, और बच्चों को मुश्किल से एसी थर्ड से के भी नीचे वो M1 वगैरह होता है वहाँ 2 सीट मिल पाई थी। चिंता हो रही थी, उनके पास सामान भी बहुत था और पूरी रात हम गए भी नहीं थे देखने, तो हम दोनों ने सोचा कि चलो देख आते हैं कैसे बैठे हैं, कहाँ हैं। 10 डिब्बे पीछे था वो जो उनका M1 था शायद, और पूरा रास्ता चलने में एक मॉर्निंग वॉक ही हो गई, ये मान लीजिए। 10 डिब्बे पार करने में एक अच्छी खासी मेहनत ही होती है। गनीमत है इतनी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी मान लीजिए, और हम लोग बड़े आराम से डिब्बे भाई डिब्बे पार करते हुए वहाँ चले जा रहे थे। बीच में एसी सेकंड के डिब्बे पड़े, फिर एसी थर्ड के डिब्बे पड़े, एसी के थर्ड के बाद में वो M1 था जहाँ पे हमारे दोनों बच्चे बैठे थे। रीना आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे चल रहा था। मैं चलूँगा आगे, मैं लड़कियों को जल्दी रास्ता दे देते हैं लोग। बीच में शायद एंट्री कार भी पड़ी थी, वो खाना वाना बनाने वाली, आई थिंक। तो चलना है आगे। बस सारे डिब्बों में इधर से उधर लोगों को देखते हुए जा रहे थे। ये भी एक अगर एक्सरसाइज करनी हो रेल में तो ऐसे सारे डिब्बे चले जाओ, अपनी मॉर्निंग वॉक हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। शायद अपने बच्चों का डिब्बा आने ही वाला था, देखते हैं दोनों कैसे बैठे हैं। मेल आए, ऐसा लग रहा था कि ये सारे डिब्बे ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे, कब आएंगे बच्चों के हमारे के बैठने की जगह जहाँ वो दोनों बैठे। आखिरकार आ गए ये दोनों यहाँ बैठे। हेलो हेलो, कैसी नींद आई? नींद आई नहीं आई? हाँ तो मैं देखने कहाँ सोया, नींद आ गई थी क्यों? मेरे पैर सीधे ही नहीं हुए वो, उसकी वजह से, बैग की वजह से। अच्छा, बैग नीचे नहीं ला पाए, उसके फर्स्ट में जगह नहीं मिली, किसी ने जगह नहीं डाली थी नीचे? नहीं थी। अरे ऊपर नहीं, पीछे ही था वो, खिसका नहीं सकता मैं, घुस नहीं सकता पीछे। तो उसमें नीचे जगह नहीं थी तुम्हारे लिए कुछ भी? साइड हो जाओ बेटा। मतलब सब लोगों ने अपने अपने सामान लगा रखे थे। हाँ, बच्चों को देखने के बाद हम अपने एसी फर्स्ट में आ गए थे, और हमारे पीछे पीछे हमारा छोटा वाला बेटा भी आ गया था। उसे वहाँ पे थोड़ा अनकंफर्ट रहा रात में, तो यहाँ पे खाली पड़ा था एसी बॉक्स का, एक बॉक्स एसी फर्स्ट क्लास का, वहाँ आके चुपचाप आराम से कंफर्टेबल। हाँ, मैं भी क्या कर रहे हैं पे? मोबाइल चैट कर रहे हैं। अच्छा, मैं बराबर में ही हूँ, ठीक है।
मेरा बराबर में ही रूम था, मैं वहाँ आ गया और हमारे साथ के जो को पैसेंजर भी थे वो अपना पिछले स्टेशन पे उतर चुके थे। रास्ते में एक सुंदर नदी पड़ी, वहाँ जो है ना पहाड़ी जमीन पथरीली ज़मीन हो जाती है और नदी जो है पथरीली ज़मीन पर अच्छी दिखती है रियली। और ब्रिज पे से नदी और बरसात का भी टाइम था तो पानी भर भर के आ रहा था, नदियाँ भरी हुई थी। इतने में जो मेरा बेटा था उसने भी शायद टाइम लैप्स बनाया और कुछ विंडो से बाहर के अच्छे फोटो वीडियोग्राफी की, क्योंकि अब हमारा पुणे का रेलवे स्टेशन आने वाला था। यहीं आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे पुणे में। तब तक के लिए नमस्कार।